إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر हजरात अभी मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद सूरतुल फज्र की इब्तिदाई आयतें तिलावत की हैं। मुनासबत ये है कि अभी आज हम ज़िलक़ायद की 30वीं तारीख से 30वें दिन से गुजर रहे हैं और आज मगरिब के बाद हम माह ज़िलहिज में दाखिल हो जाएंगे। माह ज़िलहिज में जैसे ही हम दाखिल होंगे तो इस माह ज़िलहिज के जो पहले 10 दिन हैं जिसे अशरे ज़िलहिज कहा जाता है, ये शरई नुक़्ते नज़र से बड़ी अहमियत रखने वाला आशरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फज्र की इब्तिदाई आयतों में इस अशरे की कसम खाई है। कहा वल फज्र, कसम है फज्र के वक्त की, वलैयालिन आश्र, और कसम है 10 रातों की। कसम खाने वाले ज़ात रब्बुल आलमीन की। रब्बुल आलमीन जिन अय्याम की कसम खाए, जिन दिनों की कसम खाए, जिन रातों की कसम खाए, तो मतलब यह है कि ये अय्याम और ये दिन और ये रातें और अय्याम से कुछ अलग है और रातों से ये कुछ जुदा है, क्योंकि रब्बुल आलमीन इन अय्याम की कसम खा रहा है। इसीलिए हजरात अहले इल्म के दरमियान किताब और सुन्नत की रोशनी में ये अय्याम बड़ी फजीलत वाले हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जाबिर रावी हैं, मा मिन अय्यामिन अल-अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िहिल अय्यामिल आशर, कि अल्लाह को नेक अमल जब भी हो जहां भी हो बहुत पसंद है, लेकिन ज़िलहिज के ये पहले 10 दिनों में होने वाला अमल अल्लाह को जितना पसंद है उतना किसी और दिन होने वाला अमल अल्लाह को पसंद नहीं। आप सदका साल भर करते होंगे पर इस अशरे में जो सदका आप करेंगे उसकी कीमत ही अलग। आप तिलावत साल भर करते होंगे लेकिन इस अशरे में जो तिलावत आप करेंगे उसकी अहमियत ही अलग। आप जिक्र हर अशरे में साल भर करते होंगे पर इस अशरे में जो जिक्र आप करते हैं उसकी कीमत ही अलग। अलगर्ज कोई भी नेकी हो, कोई भी अमल साले हो, इस अशरे में उसे आप बजा लाते हैं, उसकी कीमत ही अलग है, उसकी हैसियत ही अलग है। इसलिए और आप अंदाजा कीजिए अहले इल्म के नजदीक इस अशरे की आखिर कितनी अहमियत होगी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और उन जैसे दूसरे अहले इल्म ने बाकायदा एक बहस छेड़ी है कि रमजान का आखिरी अशरा अफजल है कि ज़िलहिज का पहला अशरा अफजल है। अल्लाहू अकबर। अब चाहे इस बहस का रिजल्ट कुछ भी हो, नतीजा कुछ भी हो, लेकिन इन 10 दिनों की अहमियत को समझने के लिए ये बात काफी है कि अहले इल्म इन 10 दिनों का मुकाबला और मुकारणा किससे कर रहे हैं, इसका मुफाजला किससे कर रहे हैं, माह रमजान के आखिरी अशरे से कर रहे हैं। इसी से समझ जाओ कि ये कितनी फजीलत वाला अशरा। भाइयों, ये अशरा आता भी है जाता भी है हर साल, पर अफसोस ये है कि हमने की मेजॉरिटी, बिला मुबालगा मैं कहता हूं, इसे आम दिनों की तरह से गुजार देती है। कोई चेंजेस नहीं हमारी जिंदगी में, कोई तब्दीली नहीं हमारी जिंदगी में, कोई इजाफी इबादत नहीं इस अशरे में। ये दलील है इस बात की कि हम ईमान में कहाँ खड़े हैं, हमारा तकवा कितना कमजोर है। इसलिए मोहतरम भाइयों, आज के खुतबे में मेरा पहला मैसेज आप सब के लिए, मेरी अपनी जात के लिए और सभी सुनने वालों के लिए ये है कि इस मुबारक अशरे में जहां आज हम मगरिब से दाखिल हो रहे, हमारे अंदर कुछ न कुछ चेंजेस नजर आने चाहिए। कैसे? जैसे माह रमजान का चांद दिखते ही मस्जिदें भर जाती हैं, अल्लाह अकबर। जिन सरों पे टोपियां नहीं होती, टोपियां आ जाती हैं। गलत आदत वाले हजरात गलत आदतें छोड़ देते हैं। तब्दीली रमजान में साफ दिखती है और वो तब्दीली इस अशरे में नहीं दिखती है। तो पहला मैसेज और पहला पैगाम मेरा यह है, इस आने वाले अशरे की, इन 10 दिनों की खबर कीजिए और अपने अंदर अपनी इबादतों में कुछ इजाफा और अपने रवैये में तब्दीली लाएं। मुनकरात से बचें, मुहर्रमात से बचें, गलत कामों से बचें, गलत आदतों से बचें और हर नेक काम में आगे बढ़ने की कोशिश करें। सवाल यह है, इस अशरे की इतनी अहमियत क्यों है? तो उसका पहला जवाब तो यह है, ज़माने अल्लाह के हैं, दिन अल्लाह के हैं, हर मकान हर जगह अल्लाह की है। अब अल्लाह की मशीयत है, वो जिस ज़माने को फजीलत देना चाहे दे, वो उसकी मर्जी है, उसकी मशीयत है, उसने इस अशरे को फजीलत अता की। लेकिन बज़ाहिर जब हम देखते हैं तो इसके कुछ रीज़न भी नज़र आते हैं। उसमें सबसे बड़ा रीज़न और सबब यह है, हम देखते हैं इस अशरे में कुछ ऐसी इबादतें जमा हो गई हैं जो इबादतें आपको साल भर नहीं दी। चुनांचे फरीज हज, जो इस्लाम का सबसे अहम और 5वां रुकन है, 4 अरकान के बाद, फरीज हज की अदायगी हर साल इसी अशरे में हुआ करती। हुज्जाज किराम के काफिले सुभान अल्लाह कशा कशा बैतुल्ला जा रहे हैं, उमरा कर रहे हैं और इसी अशरे की 8वीं तारीख को सारे हुज्जाज मक्का मुकर्रमा से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जतन कहकर हज का एहराम बांधते हैं, मिना का रुख करते हैं, वहां से फिर वो अरफा जाते हैं, फिर मुजदलिफा में रात गुजारते हैं, फिर 10वीं तारीख को मिना आते हैं, जमरात को कंकरी मारते हैं। हज के अक्सर अमाल इसी अशरे में अंजाम पाते हैं। फरीज हज जैसी इबादत इसी अशरे में। ईद उल अजहा, जो मुसलमानों की ईद उल फित्र के बाद दूसरी ईद है, इसी अशरे में है। और ईद उल अजहा की मुनासिबत से होने वाली ईद कुर्बान, दुनिया भर में करोड़ों करोड़ों जानवर अल्लाह की इबादत के, अल्लाह के नाम पर इबादत की गरज से जबह किए जाते हैं, जो इबादत की अल्लाह को बहुत पसंद है। फसल इन्ना आतीना कल कौसर फसल लिरब्बिक वन्हर इन शानियक हुवल अब्तर। कुर्बानी की यह इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है और वो भी इसी अशरे में। और इसके अलावा इस अशरे की मखसूस इबादत जो अहले इल्म ने जिक्र की है, जिक्र है, कसरत जिक्र है। समझ गए? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हुमा जैसे सहाबा के बारे में आता है, जिलहिज का पहला अशरा जैसे ही आता वो मार्केट का रुख करते। मार्केट में जहां लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ रहते, तो ये लोग मार्केट से गुजरते हुए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते हुए गुजरते। और इनकी तकबीर को सुनकर मार्केट में बिजनेस करने वाले, खरीदने वाले भी, देने वाले भी, बेचने वाले भी, वो भी अपनी अपनी बैठी हुई जगहों पर जिक्र करने लगते, यहां तक कि मार्केट तकबीर की आवाज से गूंज उठता था। तो ये इस अशरे की खुसूसियत है। इस अशरे में खास इबादतों का एहतमाम होना चाहिए। भाइयों, आज मेरे खुतबे का जो दूसरा मौजू है, इसी से मुताल्लिक और इसी से रिलेटेड, इस अशरे में 9 ज़िलहिज, जिसे यौम आराफा कहा जाता है, शरीयत में 9 ज़िलहिज यानी यौम आराफा की बड़ी अहमियत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया था, आपने अरफा के मैदान में खुतबा दिया था। मेरा दूसरा मौजू यही है, अरफा के मैदान में आपने एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया था। और यह खुतबा दरअसल यूं कहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत थी। उस खुतबे में कहा गया एक एक जुमला आपकी वसीयत थी। क्यों? इसलिए कि हज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मदीना गए और यूं कहिए कि अल्लाह की जानिब से बुलावा आने ही वाला था, इशारे मिल चुके थे, दुनिया से रुखसती की तैयारी करने लगे थे। तो आपने अरफा के मैदान में एक खुतबा दिया और बड़ा जामे खुतबा दिया, और उसमें आपने जो मैसेज दिया है, जो पैगाम दिया है, ये क़ियामत की सुबह तक के लिए इस्लाम के तारुफ और इस्लाम के इंट्रोडक्शन की बात आए तो सबसे जामे खुतबा है। इस खुतबे के कुछ नुकात को मैं आज आपके सामने वाज़े करने जा रहा हूं। 1,24,000 का मजमा आपके सामने था, और आपको मालूम है कि वकूफ अरफा हज का इतना अहम रुकन है कि आपने कहा था कि अल हज अरफा, हज अगर नाम है तो अरफा के मैदान में ठहरने का। किसी हाजी से अगर अरफा के मैदान का वकूफ छूट गया उसका हज ही बातिल हो गया। और ये वो दिन है, जानते हैं, पूरे साल में इस दिन की ये खुसूसियत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन जिस कदर लोगों को नारे जहन्नम से आजाद करता पूरे साल में कभी नहीं। इस अहम दिन में जो नारे जहन्नम से रिहाई और आजादी का दिन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी खुतबा दिया। आपके सामने 1,24,000 का मजमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली तालीम ये दी उस खुतबे में। आप ये गौर कीजिए, मौजूदा हालात को सामने रखकर, हम में से बाज नादान जो इस्लाम को समझते नहीं, शिद्दत पसंदी का रविश इख्तियार करते हैं, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं, माशरे के अमन के लिए खतरा बनते हैं, वो सुनिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे अरफा में पहला मैसेज आपने क्या दिया। खुतबे अरफा का पहला मैसेज ये था, अला इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आराज़कुम हरामुन अलैकुम का हुर्मती यौमिकुम हादा फी बलदिकुम हादा फी शहरिकुम हादा। आपने कहा लोगों सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी जाने, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जत आबो, ये सब इसी तरह मोहतरम है जिस तरह आज का ये दिन मोहतरम है अरफा का, जिस तरह ये महीना ज़िलहिज मोहतरम है, जिस तरह ये शहर मक्का मोहतरम है। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो पैगाम दिए। पहला पैगाम ये कि मोमिन की जान, मोमिन का माल, मोमिन की इज्जत व आबरू, ये हर एक की मोहतरम है। जायज नहीं किसी के लिए कि वो किसी की जान पे हमला करे, जायज नहीं किसी के लिए कि वो किसी के माल को नाहक छीने, जायज नहीं किसी के लिए कि वो नाहक किसी की इज्जत और आबरू पे हमला करे। और आपने जानते हैं इस जान की कीमत, इस आबरू की कीमत, इस माल की कीमत, मोमिन की जान कितनी कीमती है, मोमिन की इज्जत कितनी कीमती है, मोमिन की जान कितनी कीमती है। आपने कहा अल्लाह के नजदीक ज़िलहिज का महीना जितना मोहतरम है, मक्का की सरजमीन जितनी मोहतरम है, अल्लाह के नजदीक एक मोमिन की जान उसी कदर मोहतरम है, मोमिन का माल उसी कदर मोहतरम है, मोमिन की इज्जत और आबरू उसी कदर मोहतरम है। अच्छा, सवाल यह है कि क्या जान, माल, इज्जत और आबरू जिसे मोहतरम करार दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सिर्फ मुसलमानों की, आप चूंकि वहां मुसलमानों से मुखातब थे इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, वरना आप अहले इल्म की तफसीरें पढ़िए, अहले इल्म कहते असल ये है, असल ये है, असल कानून और असल कायदा ये है, इस जमीन पर हर इंसान की जान मोहतरम है, जायज नहीं कि नाहक आप उसकी जान के लिए खतरा बने। इस जमीन पर हर इंसान का माल मोहतरम है, असल यही है, जायज नहीं कि नाहक उसका माल आप हड़प करने की कोशिश करें। मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह जब इस्लाम लाए, जो गैर मुस्लिम थे उनको मार दिए, मार के उनके पास जो माल मिला वो माल लेकर प्यारे नबी की खिदमत में आए और आके कहा अल्लाह के नबी इस्लाम कबूल कर रहा हूं। और कैसे कबूल कर रहा हूं, अभी दो काफिर मेरे साथ थे उनको मैंने मारा और उनके पास से ये माल मिला है, लीजिए ये माल। बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया जानते हैं, कहा मुगीरा अम्मल इस्लाम फकत कबलना, रहा तुम्हारा इस्लाम लाना वो तो हमें मंजूर है, वम्मा माल फमल वखियाना, ये जो माल तुम कह रहे हो ले लो, ये मैं नहीं ले सकता, इसलिए कि ये धोखे और खियानत के जरिए हासिल किया गया माल है कि तुमने नाहक उनको कत्ल किया, कत्ल करके उनसे लाए। मुल्ला नहीं आपसे इस माल को समझ रहे आप। इसका मतलब क्या जानते हैं? खुतबाए हज्जतुल वदा का पहला मैसेज और पहला पैगाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो समाज और सोसाइटी का अमन है, कि अमन किसी भी समाज की सबसे अहम जरूरत है। जाने महफूज रहे, आबरूएं महफूज रहे, माल महफूज रहे, समाज में लोग ऐसे जिए कोई किसी की जान के लिए खतरा ना बने, कोई किसी के माल पर ना खरीदारी ना जताए, कोई किसी की इज्जत और आबरू पर ना हमला ना करे। फर्स्ट मैसेज आपने जो दिया खुतबे अरफा में वो ये कि किसी भी समाज और सोसाइटी की बुनियादी और अव्वलीन जरूरत अमन है। और ये वही पैगाम है जो हमें हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मिलता है। उन्होंने भी जब अल्लाह से दुआ की मक्का के लिए, शहरिया ने मक्का के लिए, अहालिया ने मक्का के लिए, तो माइशत से पहले, इकोनॉमिक से पहले, इक्तिसाद से पहले अमन की दुआ की। उन्होंने कहा रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिन अस-समरात। अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना देना और यहाँ के बाशिंदों को रोजी देना। देखो दुआ में मुलाज़ा करो, खाने पीने की बात से पहले अमन की बात कर ले, रिस्क की दुआ से पहले अमन की दुआ कर ले। पता चला कि इस्लाम के नजदीक मुआशरे का अमन इतना अहम है। समाज में लोग सुबह करें तो अमन से करें, लोग शाम करें तो अमन से करें, उनके दिन अमन से गुजरे, उनकी रातें अमन से गुजरे। इस्लाम अमन को इतनी अहमियत देता है। अमन ना हो, लाख इंसान लज्जत की चीजें खाए, वो उसके जिस्म को लगेंगी नहीं। अमन ना हो तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, अमन ना हो तो आप तिजारत नहीं कर सकते, अमन ना हो तो मस्जिदों में आकर आप इबादत नहीं कर सकते हैं। तो खुतबे अरफा का पहला पैगाम और पहला मैसेज आपने अमन के हवाले से दिया। अला इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम व अराज़कुम हरामुन अलैकुम कहुरमति यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। दूसरा पैगाम, जमाने जाहिलियत से कई तरह की दुश्मनियां चली आ रही थी, कई तरह की अदावतें चली आ रही थी, कई तरह की नफरतें चली आ रही थी, जंगों का एक सिलसिला चला आ रहा था, कबाइल के दरमियान इंतकाम और बदला लेने की रिवायतें चली आ रही थी। मरने वाला बाप मरने से पहले अपने बच्चों को वसीयत कर जाता, उसने फलाने जो हम पे वो जुल्म किया उसका बदला जरूर अपनी जिंदगी में लेना। इंतकाम की वसीयतें होती थी उस समाज में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन ऐलान किया मक्का मुकर्रमा में, आपने कहा आज मैं जाहिलियत की सारी अदावतों को यही उसी मैदान में दफन करता हूं, जमाने जाहिलियत की सारी दुश्मनियों को मैं खत्म करने का ऐलान करता हूं। आज कोई कबीला किसी कबीले से बदला नहीं लेगा। अला इन्न कुल्ल शैइन मिन अम्रिल जाहिलियति मौज़ू। आपने कहा जाहिलियत के जो भी किस्से रहे, जाहिलियत की जो भी रिवायतें रही, जाहिलियत के जो भी मामलात रहे, जाहिलियत के जो भी ज्यादतियां रही, आज मैं उन सबको खत्म करने का ऐलान करता हूं कि आगे चलकर कोई जमाने जाहिलियत के किस्सों को छेड़ेगा नहीं, बदला लेगा नहीं। आपने माफ करने की तालीम दी। जो मुआशरा बदला लेने को, इंतकाम लेने को कमाल समझता था, आपने अरफा के दिन यह पैगाम दिया बदला लेना, इंतकाम लेना यह कमजोरी की अलामत है, बहादुरी की नहीं। सच्ची बहादुरी यह है कि माफ करो, माफ करो। और माफ करना यह हर कसो नाकस की बात नहीं, ये जिगर वालों की बात होती है, बड़े लोगों की बात होती है, जर्फ वालों की बात होती है। आपने माफ करने का हुक्म दिया। और हजरात, जब कुर्बानी देने की बात आए ना, कुर्बानी का आगाज अपने घर से होना चाहिए, कुर्बानी का आगाज अपने घर से होना चाहिए। आप माफ करने की तालीम दे रहे थे, आगाज अपने घर से किया। आपने 1,24,000 के मजमे से कहा लोगों सुनो, मैं तुम्हें माफ करने की तालीम दे रहा हूं। सबसे पहले माफी का ऐलान मैं कर रहा हूं। बनु हाशिम का एक छोटा सा बच्चा था, रबिया बिन हारिस का बच्चा, उसे कबीले हुजैल के लोगों ने कत्ल कर डाला था। बनु हिशाम के लोग हुजैल के कबीले से ये बदला लेने की प्लानिंग में थे। आपने ऐलान कर दिया, आज के बाद मेरे कबीले बनु हाशिम के लोग उस बच्चे का बदला नहीं लेंगे। ये उस दुश्मनी को मैं यही खत्म करता हूं। कुर्बानी का आगाज अपने घर से होना चाहिए। तीसरी तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी माल को लेकर। आपने कहा अला इन्ना रिबल जाहिलियति मौज़ून, अला इन्ना रिबल जाहिलियति मौज़ून तहत क़दमयत। मुआशरे में जुल्म की जो सबसे बदतरीन शक्ल है वो क्या जानते हैं? रिबा, सूदी निजाम, सूद, रिबा। ये मुआशरे में जुल्म की बदतरीन शक्ल है, जहां एक अमीर से अमीर पर हुआ जाता है और गरीब से गरीब पर हुआ जाता है। सूदी निजाम एक ऐसा जाबिराना निजाम है, जालिमाना निजाम है। एक अमीर शख्स अपनी दौलत के बल पर मुआशरे के गरीबों का खून पसीना चूसता है, पूरी तरह से बेरहम होकर। उसे गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं, गरीबों की गमखारी नहीं, गरीबों के दर्द का कोई एहसास नहीं। बेचारा किसान सुबह से शाम तक चिलचिलाती धूप में मेहनत करेगा और जब फसल आएगी सारी आमदनी ले जाकर उस सूदखोर के पास भरेगा जिस सूदखोर से उसने सूदी कर्जा ले रखा है। मेहनत करने वाला मेहनत करके अपनी मेहनत का फल खाने से महरूम, और एक शख्स जिसके पास दौलत है, मेहनत नाम की कोई चीज नहीं, एयर कंडीशन कमरों में बैठा हुआ है, वो इन मेहनत कशों का खून पसीना चूसता है। ये सूदी निजाम की कबाहत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के मैदान में ऐलान किया अला इन्ना रिबल जाहिलियति मौज़ून तहत क़दमय्या। आपने कहा मैं जहां जुल्म की सारी रिवायतों और शक्लों को खत्म करने का ऐलान कर रहा हूं, वही लोगों सुन लो, जमाने जाहिलियत से अब तक सूदी लेन देन के जितने मामला चले आ रहे हैं, आज के बाद ये चैप्टर क्लोज है। कोई किसी से सूद नहीं लेगा, और किसी ने अगर किसी को सूद पे रकम दे रखी है वो सिर्फ अपना कैपिटल वापस लेगा, सूद नहीं लेगा आज के बाद। आपने कहा मौज़ून तहत क़दमय्या, रिबा के सारे मामलात को आज मैं अपने कदमों तले रगड़ता हूं, कुचलता हूं। ये अल्फाज आपने कहे, रगड़ता हूं अपने कदमों तले। और जैसे यहां भी देखो, कुर्बानी का आगाज अपनी जात से होना चाहिए, अपने घर से होना चाहिए। यहां भी आपने अपने घर से आगाज किया। प्यारे नबी के चचा हजरत अब्बास, उन्होंने कई लोगों को सूद पे पैसा दे रखा था। हजरत अब्बास ने कई लोगों को सूद पे पैसा दे रखा था। आपने अरफा के मैदान में ऐलान किया कि लोगों, मेरे चचा अब्बास ने जिन जिन को सूद पे पैसा दे रखा है, आज मैं ऐलान कर रहा हूं मेरे चचा के लिए जायज नहीं कि तुम में से किसी से सूद के नाम पे पैसा ले। वो सिर्फ अपना कैपिटल वापस लेंगे, सरमाया वापस लेंगे, सूदी रकम नहीं लेंगे। ये दूसरा अहम पैगाम था। तीसरा अहम पैगाम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल वदा में दिया। आप सोसाइटी, समाज के हालात से जोड़ते जाए इन पैगामों को। अल्लाहू अकबर। आज हुकूक इंसान के नाम से, आज़ादी इजहार राय के नाम से क्या क्या सब हो रहा है। मौजूदा हालात में सब तालीमात कितनी हैं। और आप जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद चौथा पैगाम क्या दिया? खुतबे अरफा जैसे अहम मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा पैगाम और चौथा और अहम मैसेज ये दिया, इत्तक़ुल्लाह फिन निसा, लोगों औरतों के सिलसिले में अल्लाह से डरो। और औरत से मुराद बीवियां। आपने कहा अपनी ज़ौजात और बीवियों के सिलसिले में अल्लाह से डरो, उनके हुकूक अदा करो, उन पे जुल्म और ज़ियादती ना करो। आप जानते हैं अरब का समाज, अरब का मुआशरा इस्लाम से पहले औरत को किस नजर से देखता था? अल्लाह अल्लाह, हाँ, बच्ची को तो और औरत को और सारे हुकूक देना तो छोड़ो, जीने और जिंदा रहने का जो बुनियादी हक है वो हक भी वो समाज नहीं दिया करता था। इस्लाम ने औरत को इतने हुकूक दिए, उसका रुतबा इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। इस्लाम से कबल जमाने जाहिलियत में जिन लोगों ने ये सब गलतियां की थी वो कफारे के रास्ते ढूंढने लगे अपनी गलतियों को याद कर। एक सहाबी आए, सुनिए, एक सहाबी आए, आके कहा अल्लाह के नबी मैं वो बेरहम बाप हूं जिसने इस्लाम से कबल अपने हाथों से अपनी 8 बच्चियों को जिंदा दफन किया। अल्लाह के नबी अब मैं बेचैन हूं, परेशान हूं, बताइए मैं क्या करूं, इस जुल्म का तदारुक कैसे करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 8 बच्चियां 8 जाने, ऐसा करो कि 8 गुलाम आजाद करो। साहबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरे पास इतनी माली सकत नहीं है कि मैं 8 गुलाम आजाद करूं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर 8 गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो फिर 8 ऊंट सदका करो। साहबी ने कहा हाँ ये ताकत है मेरे पास, 8 जानों के बाद बदले 8 ऊंटों का सदका किया। कहना यह एक अरब का समाज ऐसा था जो औरत को उसके वजूद को बाइसे रुस्वाई और बाइसे नहूसत समझता था। ऐसे माशरे में प्यारे नबी ने औरत के दर्जे को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, खुतबे अरफा जैसे मौके पर भी आपने मर्दों को एहसास दिलाया कि तुम्हारी बीवियां इनके तुम पर बड़े हुकूक हैं, अगर हक तलफी करोगे इन पर, जुल्म करोगे तुम पर, इसलिए कि शोहर होने की हैसियत से अल्लाह ने तुम्हें कुछ इख्तियारात दिए हैं, अगर तुमने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया तो हश्र की अदालत में तुम अल्लाह के सामने जवाब दे होना। ये अजीम पैगामात है, ये अजीम तालीमात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और गुफ्तगू के इख्तिताम पे अपने साफ इशारा दे दिया कि लोगों मेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब आ चुका, अब मैं दुनिया से रुखसत होने वाला, साफ इशारा दिया। अल्फाज नहीं कहे आपने, पर आपने कहा चरक्तु फीकुम मैं इन तमस्सक्तुम बिही मन तज़ुल्लू किताबल्लाह। आपने कहा लोगों मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज छोड़ के जा रहा हूं, तरक्तु। ये लफ्ज तरक्तु में आपने इशारा दे दिया अब बस दुनिया में जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद पूरा हो चुका। इसलिए आप जानते हैं इसी दिन में, इसी अरफा के मैदान में, इसी दिन वो आयत नाजिल हुई थी अल्लाहुम्मा अकबलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। तकमील दीन की बशारत सुनाने वाली आयत इसी दिन नाजिल हुई थी। तो आपने कहा लोगों मैं जा रहा हूं, फिर मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा मगर मेरा लाया हुआ सामान हिदायत तुम्हारे दरमियान मेरे बाद भी रहेगा, मेरी लाई हुई किताब हिदायत मेरे बाद भी तुम्हारे दरमियान रहेगी। लिहाजा अगर हिदायत पे कायम रहना चाहते हो तो मेरी लाई हुई इस किताब को जो अल्लाह की किताब कुरानी मजीद है उसे मजबूती से थाम लेना, और मजबूती से थामोगे तो कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते। और ये पैगाम देने के बाद, ये मैसेज देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 सहाबा से एक इकरार लिया आपने, एक इकरार लिया आपने, एक गवाही ली आपने। आपने कहा वअंतुम तुसअलूना अन्नी फमा अंतुम काइमून। आपने कहा लोगों बताओ हश्र के मैदान में कल तुमसे रब्बुल आलमीन और अहकमुल हाकिमीन मेरे बारे में पूछने वाला है कि मेरे नबी ने तुम तक दीन की अमानत को पहुंचाया क्या, ये सवाल होने वाला है। लोगों बताओ तुम क्या जवाब दोगे। सारे सहाबा ने एक जबान होके कहा, 1,24,000 के मजमे में एक जबान होके कहा नशहदु अन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहत। अल्लाह के नबी हम हश्र के मैदान में गवाही देंगे कि आपने अल्लाह के दीन की अमानत को बगैर किसी कमी बेशी के हम तक पहुंचा दिया और हमारी खैर खाही में आपने कभी कोई कसर न छोड़ी, इसकी हम सब गवाही देंगे। ये गवाही जब सहाबा से आपने ली तो आसमान की जानिब उंगली उठाई और फिर उसे 1,24,000 के मजमे की तरफ झुकाया, 3 मरतबा ऐसा किया और कहा अल्लाहुम्मा शद अल्लाहुम्मा शद अल्लाहुम्मा शद। गवार 1,24,000 का ये मजमा आज एक जबान होकर गवाही दे रहा है कि नबुव्वत और रिसालत की जो जिम्मेदारी, दावत और तबलीग की जो जिम्मेदारी तूने मेरे सुपुर्द की थी, मैंने आज उसको बगैर किसी कमी बेशी के पूरा कर दिया। हजरात, ये वो खुतबा हज्जतुल वदा है जिसकी हैसियत मैंने जैसे बताया खुतबे के शुरू में वसीयत की थी। ये प्यारे नबी की वसीयत है। जरूरत है कि इसे हम खुद समझें पहले, और फिर जो लोग इस्लाम को बदनाम करने पे तुले हुए हैं उनको बताएं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है। लोग इस्लाम के सिलसिले में गलत फहमियों के शिकार इसलिए हैं कि उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, इस्लाम को समझा नहीं है। पत्थर मुझे जाना है, मुझे चाहने वाला, पत्थर मुझे चाहना है, मुझे चाहने वाला मैं मौन हूं, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। इस्लाम को पढ़ने की जरूरत है। ये पैगाम आम कीजिए, गैर मुस्लिम दोस्तों अहबाब में आम कीजिए। खुतबा हज्जतुल वदा इस्लाम क्या है अगर समझाना तो एक बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में इस्लाम का एक इंट्रोडक्शन है। रब्बुल इज्जत से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को इस्लाम के पैगाम तौहीद, पैगाम अमन और पैगाम आफियत को अल्लाह सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। फिर इस पैगाम के हम सब को अल्लाह इस पैगाम का दाई बनाए, मुबल्लिग बनाए, मुनाद बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। खुतबे के इख्तिताम पर आपको मालूम है ज़िलहिज का महीना जब शुरू होता है तो कुर्बानी करने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि जो भी कुर्बानी करना चाहते हैं वो ज़िलहिज का चांद नजर आने की बात से ईद तक अपने नाखून और बाल नहीं काटेंगे। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और कुर्बानी का जानवर अभी से आप सब खरीद रहे होंगे, होना भी चाहिए। सहाबा कहते हैं कुन्ना नुसम्मिनुल उज़हिया, कि हम वक्त से पहले कुर्बानी का जानवर खरीदते थे, उसे खिला पिलाकर ईद से पहले मोटा करते थे, सेहतमंद करते थे कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने वाला जानवर। तो लिहाजा जानवर खरीदते हुए ख्याल रखिए कि जानवर ऐबदार ना हो, क्योंकि हमारे हमारे जज्बे बंदगी की अलामत और मजहर ही ये जानवर। सेहतमंद जानवर होना चाहिए, तंदुरुस्त जानवर होना चाहिए। ऐबदार जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं हुआ करती है। रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आने वाली इस ईद उल अजहा को हम सबके लिए ईमान व अमल का पैगाम बनाए। और अल्लाह ताला हमारे वो भाई जो हुज्जाज किराम बैतुल्लाह का हज कर रहे हैं, अल्लाह करे कि हज की सारी कार्रवाइयाँ अमन के साथ, खैर खूबी के साथ, बगैर किसी यानी किसी भी किस्म के खलल के, अमन के साथ, आफियत के साथ अंजाम पाए। अल्लाह हम सबको आने वाले अशरे की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह आने वाले अशरे में की बात जो हम जो ईद मनाएंगे अल्लाह ताला ईद उल अजहा की भी हकीकी मुसब्बतों से हम सबको माला माल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बारक अल्लाह लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुल बर्रुल रऊफ़ुर रहीम रब्बुल आलमीन।